मैं हुज़ैफ़ा और आज हम लोग आए हैं एक न्यू टाइप की वीडियो के साथ। तो ये मेरी नॉर्मल अनबॉक्सिंग और ये मेरी वीडियो तो थोड़ी अलग है। इसमें हम थोड़ी सी करेंगे कमेंट्री और थोड़ी सी बातें। ये वीडियो का टाइप तो न्यू है मगर जो टॉपिक है वो 2000 साल पुराना है, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लेयर्स इन पबजी मोबाइल। तो आज हमने ये ट्राई किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आती है मेरी सबसे पसंदीदा लोग। तो इन लोग का कौमी तराना होता है मुँह काला ना करी जाना, मुकाबला की ये ख्वाहिश में आया। आप लोग समझ गए होंगे, यानी रूम आ जाओ M4 या M24 वाले लोग। तो इनमें से ज़्यादातर होते हैं M24 वाले लोग। इनमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जैसे दोस्तों के साथ शुगल मेला लगाने के लिए खेलते हैं और तफरीहों के लिए खेलते हैं, बल्कि दूसरे होते हैं जिनको अपनी जॉब, इनको अपनी इनकम का जरिया समझते हैं। यानी दूसरे बंदों को बोलेंगे कि जीतने वाले कि मैंने इसको पैसा दिया है, और फिर उस मैच के एंड में सामने वाला बंदा इसको बोलेगा कैसा दिया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं मुझे वो लोग जो मुझे कतई नहीं पसंद, यानी कि भिखारी। ये लोग मैच में उतरते ही चाहे इनको गन मिले ना मिले, एमओ मिले ना मिले, इनको स्कोप फ़ौरन चाहिए, और वो भी कोई 2x 3x थी, डायरेक्ट 6x और 8x। औकात इनकी फ्री फायर वाली भी नहीं होती, मगर दोस्तों से मांगेंगे AWM। जैसे अगर AWM इनको थमा दी जाए तो डायनमो और शराउड का भूत तो इन्हीं के अंदर आके बस जाएगा, और ये तो एक ओम को ऑटो पे चला के उसी से सब पूरी लॉबी खाली कर देंगे। मगर हकीकत में ये होता है कि इनके सामने सामने खड़ा हुआ बॉट भी नहीं मर। के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं अमीर लौंडे, यानी कि राजा के बेटे। इनमें भी दो तरह की किस्में होती हैं, एक होते हैं वो लोग जिन्होंने पॉकेट मनी बचा के और अम्मी अब्बा से भीख मांग मांग के रॉयल पास और कुछ RP प्राइम प्लस या फिर इस तरह की चीज़ें खरीदी होती हैं, जो कि ठीक ठाक होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, थोड़ा बहुत शो ऑफ करते हैं और बस इतना नहीं। मगर दूसरे नंबर पर आते हैं फुल तरह के अमीर लौंडे, जिनके बापों की शुगर मिले होती हैं और उनके पास हर तरह की गन आपको मिल जाएगी अपग्रेडेड। जो जितना पैसा लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, उतना पैसा तो ये गन मैक्स करने में लगा देते हैं। हर तरह का सूट, हर तरह का आउटफिट, जो आप बोलो, हर तरह का नई आने वाला क्रेट, हर चीज़ को ये खोलेंगे, हर चीज़ को मैक्स करेंगे। सिर्फ ये ही नहीं, डिवाइस इनके पास होती है XR 11 Pro Max, iPad, यही होती है क्योंकि, और हाँ एक और OnePlus 6 OnePlus 8, ROG Phone 3, और खाली ये ही नहीं, इसके साथ होता है पूरा निंजा वाला स्ट्रीमिंग सेटअप। इसके साथ ये कनेक्ट करते हैं एलगाटो। स्ट्रीमिंग करनी भले ना आती हो, कमेंट्री कुछ आती हो ना आती हो, मगर पूरा सेटअप बना के खेलेंगे। और हेडफोन्स, इनके हेडफोन्स हमारे मोबाइलों से ज़्यादा महंगे होते हैं, जैसे कि लॉजिटेक के या फिर रेजर क्रेकिन या फिर हाइपर एक्स, क्योंकि ये काफ़ी महंगे हैं पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से। और सैड लाइफ, गरीब है, हैशटैग मैं गरीब हूँ। इसके बाद आते हैं वो लोग जो अपने आप को समझते हैं टकाज और लेविनो, जो टकाज और लेविनो की वीडियो देख देख के इतने बवलैट हो चुके हैं कि समझते हैं कि अगर मैं जॉर्जो में कूद गया तो मैं तो भैया पेन से ही पूरा जॉर्जो खाली कर दूंगा। मगर होता है इनका बिल्कुल अपोजिट है। अगर इनको AKM मिल जाए तो सामने वाला बंदा P111 से मार के चला जाएगा। उसके बाद आते हैं वो लोग जो टकाज और लेविनो की वीडियो देख देख के बिल्कुल बवलैट हो चुके हैं, ये खुद को समझते हैं कि इनसे बड़ा तो कोई प्रो प्लेयर है ही नहीं। हीरो मिलिट्री बेस है जॉर्जो में कूद के पिस्टल से ही पूरा जॉर्जो पूल खाली कर देते हैं। अगर इनको AKM भी मिल जाए तो सामने वाला बंदा इनको पिस्टल से मार के चला जाएगा। असल में हैसियत इनकी ऐसी होती है कि इतनी देर में बंदे प्लेन से आइलैंड में पहुँचते हैं, उससे पहले ये लोग लॉबी पहुँच जाते हैं, मगर दोस्तों को ऐसे बताते हैं जैसे इनसे बड़ा तो कोई प्रो प्लेयर पैदा ही नहीं। ये वही है जो दोस्तों को स्कूल में समोसे का लालच दे के रूम में बुलाते हैं, उन्हीं को मार के इंस्टा पे स्टोरी लगाते हैं #chickendinner #progamer #फलाना ढिमकाना। समोसे खाने वाले आप तो नहीं हो, पर उसके बाद आते हैं कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा मोस्ट हेटेड पीपल, यानी कि लैला मजनू, जो कि पबजी में आकर भी अपनी प्यार मोहब्बत ही कर रहे होते हैं, जिनको और कोई काम होता नहीं है। होना इनको चाहिए इंस्टा और व्हाट्सएप पे, मगर बर्बाद करने बहुत जाते हैं ये पबजी। पूरे मैच में करते रहेंगे ये सोना बाबू, मगर नहीं होता इनसे एक बॉट भी काबू।
इनकी भी एक दो तरह की किस्में होती हैं। एक तो वो होते हैं जो थोड़े अच्छे लोग होते हैं और वो डुओ या डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल के खुद ही खेलते हैं, मगर 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 दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो रैंडम के साथ कूद जाएंगे, खुद तो पकाएंगे और रैंडम लोगों को भी तपाएंगे। और इसमें इससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि वो बेचारे लड़के जो अपने हर तरह से सिंगल होने के बाद अपना दुख निकालने पबजी में आते हैं, उनको यहाँ पे भी सुकून नसीब नहीं होता और उनको ये भी छोड़ना पड़ता है। और सबसे लास्ट कैटेगरी आती है वो लोग जो वाकई अच्छे प्लेयर बल्कि होते हैं, यानी कि वो लोग जो तो वाकई में BTR और स्काउट जोनाथन और जितने भी प्रो प्लेयर हैं वैसा खेलते हैं। इनके पास इनमें भी दो तरह की किस्में होती हैं। एक तो होते हैं वो लोग जो जिनकी स्किल्स भी अच्छी होती है और उनके पास डिवाइस भी अच्छी होती है तो वो सही तरह परफॉर्म कर पाते हैं, मगर बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो खेलते तो बहुत अच्छे हैं मगर डिवाइस और इंटरनेट की वजह से वो सबसे नूब कहलाए जाते हैं, मगर वो नूब होते नहीं। बिकॉज बहुत अरसे मैं भी ये बन के रह चुका हूँ, मगर नाउ आई हैव फाइनली गुड डिवाइस। और इसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं सबसे ज़्यादा जलील, लानती और जितने भी गालियाँ जहन में आ रही हैं सब एक साथ इनको दे दीजिए, क्योंकि ये हैं हैकर। हैकर ये होते हैं वो लोग जो इतने घटिया होते हैं कि कैंपिंग करके 0.1 की KD के साथ भी एस नहीं पहुंच पाते और फाइनली ये आखिर में जाके वो लगाते हैं हैक। और इन हैक ख़रीदने वालों से ज़्यादा गुस्सा उन पे आता है जो ये हैक बेचते हैं। एक टाइम को बंदा चरस बेच ले, गांजा बेच ले, मगर हैक्स ये तो बहुत गलत है। तो इन लोग को फिर कुछ लोग हैक्स ख़रीदते हैं। इनमें भी कुछ तरह की किस्में होती हैं। एक होते हैं ESP वाले जो एक फ़ोन बराबर में रख के स्पेक्टेट करते हैं और बंदों को लोकेट करके मारते हैं, जो कि गलत है मगर इतना गलत नहीं है जितना वो करते हैं, कि जो दीवार के आर पार मार देते हैं, मैजिक बुलेट, ऑटो एम बॉट और बहुत तरह की चीज़ें, जो गाड़ियाँ उड़ा देते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से पबजी वालों ने लाया पेलोड मोड, क्योंकि पबजी वालों को पता है कि सामने से एक बंदा गाड़ी उड़ा के ला रहा है तो हम उसको रोक तो सकते नहीं हैं, तो इसके बदले में उन्होंने पेलोड में हेलीकॉप्टर निकाल लिए ताकि आप गाड़ी वालों का मुकाबला हेलीकॉप्टर से कर सकें। ये है स्क्रिप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये मेरी नई तरह की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई मिस्टेक मुझसे हुई हो या फिर कोई चीज़ आपको ना पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।